वरुण धवन की जुड़वा दो इस साल की सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है और फिल्म की सफलता से डेविड धवन को जुड़वा 3 का सुपरहिट आइडिया आ चुका है। इतना ही नहीं, इस बार फिल्म में वापसी होगी असली प्रेम और राजा यानी कि सलमान खान की। जी हां, सूत्रों की माने तो डेविड धवन सलमान खान को जुड़वा 3 के लिए मनाने में लग गए हैं। गौरतलब है कि सलमान खान और डेविड धवन 1997 में जुड़वा लेकर आए थे। जुड़वा का बजट था 2 करोड़ रुपए और इसने कुल 26 करोड़ की कमाई की थी। 1997 में रिलीज हुई सलमान खान की ये फिल्म उस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी थी। सलमान खान की फिल्म से 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर हटाकर केवल 1 करोड़ का मुनाफा बचा था। उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी सनी देओल की बॉर्डर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ की कमाई की थी। जानिए उस साल की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। 1997 में बॉक्स ऑफिस का हाल। 1997 में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी फिल्में आई थीं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जो बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मूव गिरी थी। जानिए सुपरस्टार्स के बॉक्स ऑफिस का 1997 में कैसा था हाल। ब्लॉकबस्टर थी बॉर्डर। सनी देओल स्टारर बॉर्डर उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। फिल्म में सनी देओल के साथ थे सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ। वहीं शाहरुख खान की दिल तो पागल है दूसरे नंबर पर थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। सलमान आमिर का अता पता नहीं तीसरे नंबर पर भी शाहरुख खान की परदेश थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। वहीं इंदर कुमार की इश्क, जिसमें अजय देवगन आमिर खान की कॉमेडी ने सबको हंसाया, नंबर 4 पर अपना कब्जा जमा कर भी सेमी हिट थी। सनी देओल का जलवा इस साल बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का जलवा था। उनकी फिल्म जिद्दी 5वें नंबर पर थी जो बॉक्स ऑफिस हिट थी। वहीं इस दौर में गोविंदा का जलवा कायम था और हीरो नंबर पर बॉक्स ऑफिस पर 6वें नंबर पर थी और हिट थी। बॉबी देओल भी हिट लिस्ट में। बॉबी देओल की फिल्म गुप्त भी बॉक्स ऑफिस पर 7वें नंबर पर थी। उनकी थ्रिलर फिल्म हिट थी। वहीं सलमान खान की जुड़वा हिट होकर 8वें नंबर पर काबिज थी। शाहरुख का जादू बार बार नहीं चला। माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान दोनों ही उस दौर में सुपरस्टार थे, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म को ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से भी नीचे थी। हालांकि कमाई के लिहाज से 9वें नंबर पर थी। वहीं अनिल कपूर गोविंदा की कॉमेडी फिल्म दीवाना मस्ताना एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ 10वें नंबर पर थी। अनिल कपूर सुनील शेट्टी का जमाना। इस दौर में अनिल कपूर सुनील शेट्टी का जादू चलता था। अनिल कपूर श्रीदेवी के जुदाई से मी हिट थी और बॉक्स ऑफिस पर 11वें नंबर पर थी। वहीं सुनील शेट्टी और कुणाल खेमू की भाई को लोगों ने 12वें नंबर पर सेमी हिट का दर्जा दिलाया था। शाहरुख खान जूही चावला वाला दौर ये शाहरुख जूही वाला दौर था। हालांकि उनकी फिल्म यस बॉस ने ज्यादा कमाई नहीं की और बॉक्स ऑफिस पर 13वें नंबर पर एवरेज से थोड़ी ज्यादा कमाई के साथ थी। विरासत अनिल कपूर की शानदार फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से थोड़ा अच्छी रह गई। अब जाकर मिले अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस दौरान बॉक्स ऑफिस पर ढूंढने से मिलते थे। उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी भी एवरेज से नीचे ही थी। वहीं नाना पाटेकर उस दौरान बॉक्स ऑफिस लिस्ट में मिलते थे। उनकी फिल्म यशवंत शानदार थी पर बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से नीचे थी। नीचे होकर भी हिट थे कमल हासन। साउथ की फिल्में उस दौरान भी बजट में रहती थीं। कमल हासन की चाची 424 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिहाज से 17वें नंबर पर थी, लेकिन फिल्म सेमी हिट थी। वहीं अमिताभ बच्चन ने मृत्युदत्ता जैसी डिजास्टर दी थी। हालांकि फिल्म ने कमाई ठीक ठाक की थी। सबसे ज्यादा कमाने वाली फ्लॉप फिल्में नाना पाटेकर की गुलाम ए मुस्तफा और संजय दत्त की दौड़ सबसे ज्यादा कमाने वाली फ्लॉप फिल्में थीं।